subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update. Hey guys, my name is Mohammed Farhan और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कुरानिक वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई कुरान की ऑडियो है और आप उस ऑडियो को बदलना चाहते हैं वीडियो में टेक्स्ट लगाकर, और वो भी एनिमेटेड टेक्स्ट जो कि देखने में भी प्रोफेशनल लगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर बिना किसी टाइम वेस्ट के और आपको बताते हैं कि आपको कैसे एडिट करना है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, यकीनन बहुत सिंपल है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको यूसी ब्राउज़र या आप कोई सा भी जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें जाकर आप यहाँ से सर्च करें इस्लामिक बैकग्राउंड्स। हम यहाँ से सर्च कर लें इस्लामिक बैकग्राउंड, आपको कुछ इमेजेस दिखेंगे। आप यहाँ से इमेजेस में जाएं, डिपेंड करता है दोस्तों आप पर कि आपको कौन सी इमेज लगानी है। लेट से हम यही लगा लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। सेव हो गई। अब हम अपने काइनमास्टर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम काइनमास्टर पर आ चुके हैं। अब हम बनाएंगे अपना न्यू प्रोजेक्ट, 16:9 का बनाएंगे प्रोजेक्ट, और यहाँ से अपनी इमेज जो डाउनलोड किया वो इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद आपको दोस्तों इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है सीजर के बगल में, इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ से दोनों को अटैच कर लेना है। फिर इसको फिट टू स्क्रीन ले आइए आप। ओके, इसके बाद आपको टेक्स्ट लगाना है, जैसे इसको कलर आप अपने मनपसंद कोई भी कलर ले लें। हम यहाँ पर ब्लैक कलर ले रहा हूँ। अब आप यहाँ ऑडियो में जाकर अपने कुरानिक ऑडियो जो भी आपकी ऑडियो है वहाँ से इंपोर्ट कर लें। मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, प्ले कर लेते हैं इसको। ओ यहाँ रुकिए, मैं अपनी माइक्रोफोन अटैच कर लेता हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है। तो दोस्तों हमको पहली ऐड एडिट करनी है, तो हम लोग यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और स्प्लिट कर लेंगे टू द लेफ्ट ऑफ प्लेहेड, और यहाँ से हम लोग क्लिक करके स्प्लिट कर लेंगे टू द राइट ऑफ द प्लेहेड। ओके, इसके बाद हम लोग टेक्स्ट लगाएंगे यहाँ से। इसको आप टेक्स्ट बढ़ा लें दोस्तों और यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर लें। जैसे हम यहाँ से ये ले लेता हूँ, इसको हम लोग ले लेते हैं वाइट कलर, सॉरी ब्लैक कलर ले लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आपको इसी पर क्लिक करके यहाँ से थ्री डॉट बनाए, इस पर क्लिक करके आप इसको डुप्लीकेट बना लें। हो गया डुप्लीकेट वाले। अब डुप्लीकेट बनाने के बाद ये जो सबसे पहली लेयर है यहाँ पर, इस पर क्लिक करें और इसका कलर चेंज कर लें। कलर चेंज कर लें आप, मानिए हम यहाँ से ब्राउन कलर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है आपको, इन एनिमेशन में जाएँ और यहाँ से लिखा होगा स्लाइड लेफ्ट, नहीं इसको नहीं, वाइप लेफ्ट करें। देखिए दोस्तों, और आप यहाँ से इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम इसको प्ले करता हूँ। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूँ उसकी। हम फर्स्ट लेयर में गए और इसको 2 की स्पीड में रख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेयर जो लेंथ इसकी बड़ी है, हम लोग यहाँ पर क्लिक करके ट्रिम कर लेंगे राइट तक। फिर इसके बाद सिंपली आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लें। तो हम लोग इसको यहाँ से प्ले कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
तो दोस्तों ये था सिंपल सा तरीका अपने कुरानिक ऑडियोस को वीडियो में कन्वर्ट करने का, वो भी एनिमेटेड टेक्स्ट के साथ। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में, वो मैंने कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ किया था जिसका नाम है जमील नूरी नश्तालिक। अगर से आपको जानना है कि मैंने ये फ़ॉन्ट कैसे इसमें ऐड किया, तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, आप यहाँ पर आई टैब में जाकर देख सकते हैं, हाउ टू ऐड उर्दू फैंसी फॉन्ट्स इन काइन मास्टर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।